नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है प्राइम शतक का। खड़गे के बयान पर भड़के मोदी, बोले कांग्रेसियों ने राम भक्तों की धरती पर मुझे 100 सिर वाला रावण बुलवाया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर कसा तंज, बोली गुजरात की जनता ने कांग्रेस का किया बॉयकॉट। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में टीएमसी नेता के घर में बम धमाका, दो लोगों की मौत, बीजेपी ने लगाया गंभीर आरोप। गुजरात में ओएसी को दिखाए गए काले झंडे, अहमदाबाद के रोड शो में लगे गो बैक के नारे। भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का सपना कभी पूरा नहीं होगा, ये टुकड़े टुकड़े गैंग का काम, जेएनयू विवाद पर बोले गिरिराज सिंह। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी की टीएमसी को चेतावनी, बोले रोक सको तो रोक लो। बिहार में छापेमारी करने समस्तीपुर पहुंचे वैशाली पुलिस पर हमला, AK-47 लूटा, दो पुलिसकर्मी जख्मी। पंजाब में सीमा पार से फिर आए हीरोइन हथियार, रात 12 बजे बीएसएफ ने ड्रोन का किया पीछा, 7.5 किलो हीरोइन पिस्टल कारतूस बरामद। बीजेपी के लिए गुजरात में चुनाव प्रचार के दौरान बंगालियों पर टिप्पणी पर फंसे अभिनेता परवेश रावल, पुलिस तक पहुंचा मामला। हरियाणा में बॉन्ड पॉलिसी पर सरकार में फूट, अनिल विज का सीएम को लेटर, मरीज डॉक्टर परेशान, इससे साल भर टाला जाए। जयराम रमेश ने ज्योतिरादित्य को 24 कैरेट गद्दार बताया, कहा पार्टी में सिब्बल की वापसी हो सकती है, सिंधिया शर्मा की नहीं। सरकार ने ठुकराया मुस्लिम स्कूल खोलने का प्रस्ताव, राज्य में 10 स्कूल खोलने के लिए मांगे थे 25 करोड़ रुपए। राहुल गांधी ने आरएसएस पर जमकर साधा निशाना, बोले वे जय सियाराम नहीं कह सकते, उनके संगठन में कोई महिला नहीं। बंगालियों पर बयान के बाद परेश रावल का माफीनामा, कहा था गैस सिलेंडर का करोगे क्या, बंगालियों के लिए मछली पकाओगे। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई पद्म भूषण पुरस्कार से हुए सम्मानित, कहा जहां जाता हूं भारत मेरे साथ होता है। गांव में ट्रक से टकराया डंपर, आग से जिंदा 3 जले। लखनऊ कानपुर हाईवे पर आगजन से हादसा, ट्रक के अचानक ब्रेक लेने पर टकराया डंपर। मेरठ में देर रात शहर में घुसा तेंदुआ, घनियाबादी में घरों के सामने टहलता दिखा, दहशत में लोग स्कूलों की छुट्टी। गाजियाबाद में नशा मुक्ति केंद्र से 40 मरीज फरार, मालिक और मैनेजर को पहले भी पीटा और फिर भागे, 20 मरीजों पर हमले की एफआईआर। हाजी इकबाल के भाई बेटे पर एक और मुकदमा दर्ज, जमीन के विवाद में युवक पर जानलेवा हमला कराने का आरोप।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वाराणसी दौरे पर, काशी तमिल संगम पर होगी शामिल, बीएचयू के छात्रों से करेंगी बातचीत। सहारनपुर में युवक की मौत पर सस्पेंड बुआ रात को रोकती रही लेकिन नौकरी पर जाने की बात कहकर निकल गया, फिर मिली लाश। जेल से रिहा हुए विधायक नाहिद हसन 10 महीने पहले नामांकन के समय सपा एमएलए हुए थे गिरफ्तार, हाईकोर्ट से मिली जमानत। आगरा में जयपुर हाईवे पर भीषण सड़क हादसा, फोर्स गाड़ी में ट्रक ने मारी टक्कर, 4 लोगों की मौके पर मौत, 9 लोग घायल, शादी में जा रहा था पूरा परिवार। गोंडा बलरामपुर रोड पर भीषण सड़क हादसा, ट्रैक्टर टाली और ट्रक के आमने सामने भिड़ंत, पुलिस ने रेस्क्यू कर गाड़ी में फंसे ड्राइवर को निकाला। सीएम के संभावित शाहजहांपुर दौरे की चर्चाएं तेज, निकाय चुनाव का बदल सकते हैं माहौल, अधिकारी फाइलें दुरुस्त करने में जुटे। हाथरस गोवंश को बचाने के ट्रक से भिड़कर पलटा ऑटो, सड़क हादसे में 2 की मौत, 2 गंभीर, सिकंदरा दाऊ की ओर से जा रहा था। भदोही में चरमराई विद्युत बिजली व्यवस्था, कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से विद्युत आपूर्ति ठप, कई घंटों से बिजली न आने से लोग परेशान। कन्नौज महोत्सव में अव्यवस्थाओं पर भड़के राज्य मंत्री असीम अरुण, डीएम एसपी को पत्र भेजकर पूछा क्यों नहीं की गई लोगों के बैठने की समुचित व्यवस्था। चंद्रमोहन की तरह हेमा ने की अपनी मौत की प्लानिंग, 8 साल पहले आरटीआई के एक्टिविटीज से रची खुद की साजिश, बेंगलुरु में प्रेमिका संग हुआ था गिरफ्तार। गंदगी व टूटी सड़कें बनी पहचान, जल निकासी व गंदगी वार्ड की प्रमुख समस्या, आरक्षण में अब वर्तमान सभासद नहीं लड़ पाएंगे चुनाव। कुशीनगर में सब्जी लदे लोडर ने बाइक को मारी टक्कर, बहन की मौत, भाई गंभीर रूप से घायल, एमएसपी परीक्षा देने गोरखपुर जा रही थी। इटावा में ज्वेलर्स की दुकान से महिलाओं ने की चोरी, घटना सीसीटीवी में कैद, 15 ग्राम के छाले लेकर फरार। रेनू की 6 मंजिला इमारत के बेसमेंट में लगी आग, 50 परिवारों को सीढ़ी लगाकर रेस्क्यू किया गया, धुएं से ब्लॉक हो गया था रास्ता। औरैया में राष्ट्रीय आविष्कार कार्यशाला का किया गया निरीक्षण, नीति आयोग के सदस्यों ने किया, यह योजना सभी सरकारी विद्यालयों में होनी चाहिए। अमेठी सड़क हादसे में पुलिस के जवान की मौत, देर शाम नियंत्रण जाते हुए वक्त हुआ हादसा, लखीमपुर खीरी में तैनात था मृतक पुलिसकर्मी। देवरिया में पूर्व मंत्री की जिला प्रशासन को चेतावनी, बोली सपा कार्यकर्ताओं पर लगे मुकदमे, वापस नहीं हुए तो होगा आंदोलन। लव जिहाद के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन छेड़ेगी विहिप, विहिप बजरंग दल और दुर्गा वाहिनी 1 दिसंबर तक चलाएंगे जन जागरण अभियान। प्रयागराज में भाई बहन और मां की मौत, तेज रफ्तार डंपर और बाइक सवार की हुई भिड़ंत, शादी समारोह में जा रहा था पूरा परिवार। फतेहपुर में कार ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में बाइक सवार देवर गंभीर रूप से घायल, भाभी की मौके पर मौत, चालक कार लेकर हुआ फरार। बिजनौर में सड़क हादसा, बाइक सवार पति की मौत, पति घायल, बाइक जंगली जानवर से टकराई।
अंबेडकर नगर में दो फर्जी फूड इंस्पेक्टर बनकर मिष्ठान भंडार पर करते थे अवैध वसूली। फर्जी फूड इंस्पेक्टर को अकबरपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार। अमेठी में पैसा लेते संविदा स्टाफ नर्स का वीडियो वायरल। प्रसव के बाद तीमारदार से पैसा मांगने का वीडियो सोशल मीडिया पर हो गया वायरल। हमीरपुर में फर्जी दस्तावेजों की जांच कराने पहुंची सीबीआई की टीम। फर्जी निवास प्रमाण पत्र लगाकर सेना में भर्ती का मामला। हरदोई में चलती स्कूटी बनी आग का गोला। अचानक लगी आग, देखते ही देखते धू धू कर जली स्कूटी, जलकर हुई पूरी राख। लखीमपुर खीरी में फिर दिखा तेज रफ्तार का कहर। लखीमपुर जा रही प्राइवेट बस पलटी, बस में सवार 26 यात्री घायल, 4 जिला अस्पताल रेफर। फटी रह गई आंख। अच्छा, अनाज की टंकी में मिला शव। सीबीआई जांच और वीआईपी के नाम का खुलासा करने की मांग को लेकर आंदोलनरत पहुंचे देहरादून। क्या सीएम आवास कुछ। उत्तराखंड में दायित्व की दौड़ में 100 से अधिक नेता केंद्रीय नेतृत्व से हरी झंडी मिलने के बाद होगा वितरण। उत्तराखंड में पर्वतीय क्षेत्रों की छात्राओं को पीएचडी करने के लिए मिलेगी छात्रवृत्ति, वे भी साझा करेंगे ज्ञान। हल्द्वानी में नाबालिग पर धारदार हथियार से हमला, जान बचाने को दौड़ता रहा खून से लथपथ छात्र, मचा हड़कंप। उत्तराखंड में रिटायर अधिकारी ने रात को रखवाली के लिए रखा था गार्ड, चोरों ने दिन में बोला धावा, उड़ाए लाखों का सामान। उत्तराखंड में भारत अमेरिकी सेना ने लिया सीपीएक्स व एफटीएस की ट्रेनिंग, शामिल हुए 700 जवान व अधिकारी। उत्तराखंड व पंजाब रोडवेज के बीच समय को लेकर हुआ था विवाद, वार्ता के बाद निकला हब, अब चलेगी बसें। डीजीपी तक पहुंचा कारोबारी से हाथापाई का मामला, एसएसपी को दिए दरोगा को सस्पेंड करने के निर्देश। उत्तराखंड में राज्य वन्यजीव बोर्ड के पुनर्गठन, 3 और सरकारी संगठनों 7 गैर सरकारी सदस्य 2 साल के लिए नामित। उत्तराखंड में चालान के पैसों से ड्रोन खरीदेगी पुलिस, आसमान से होगी शहर में यातायात की पेट्रोलिंग। उत्तराखंड देवाल में पुलिया से पैर फिसलने से मां और बेटा नदी में बहे, मायके से ससुराल जा रही थी महिला। पानीपत से ऋषिकेश घूमने आए छात्रों की कार खाई में गिरी, छात्रा की मौत, 3 एम्स में भर्ती। उत्तराखंड में दिव्यांग कर्मचारी व खिलाड़ियों का होगा सम्मान, सीएम धामी करेंगे पुरस्कृत। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने साल के 174 पेड़ काटे जाने पर रिपोर्ट तलब, कहा अधिकारियों की मिली भगत। एक्सरसाइज पर चीन को अमेरिका की दो टूक, कहा यह हमारा आपसी मामला, इसमें आपको क्या मतलब।
ब्रिटिश पीएम बोले, मैंने रणभेद शाह सुनक ने कहा जो भेदभाव झेला है वैसा किसी के साथ नहीं होने दूंगा। रूस यूक्रेन जंग पर फिनलैंड पीएम की चेतावनी, कहा पुतिन जीतो तो दूसरे देश भी कर सकते हैं हमला। इमरान खान के शरीफ सरकार को चेतावनी, बातचीत कर तय करें आम चुनाव की तारीख। अमेरिका ने तैयार की धार्मिक स्वतंत्रता के मामले में सबसे खराब देशों की लिस्ट, चीन और पाकिस्तान भी शामिल। यूक्रेन के दूतावासों में ब्लडी पैकेज, इनमें गाय और सुअर की आंखें, पहले लेटर बॉम्ब भेजे गए थे। इमरान खान के खास पूर्व आईएसआई चीफ फैज हमीद की छुट्टी, पीएम शहबाज ने जल्द रिटायरमेंट को मंजूरी दी। अफगानिस्तान में काबुल के कसाई की हत्या की कोशिश, बाल बाल बचा, गुलबुद्दीन हिबकत तैयार। भारत को G20 की अध्यक्षता मिलने पर बाइडेन ने कहा दोनों देश के मिलकर वैश्विक चुनौतियों से निपटने का कार्य करेंगे। स्पेन के यूक्रेनी दूतावास में धमाके के बाद दो लेटर बमों से हड़कंप, आतंकी घटना के तौर पर जांच जारी। सोने की कीमत 27 महीनों में सबसे ऊंची, पिछले 10 दिनों में 1,261 रुपए बढ़े दाम, डॉलर के कमजोर होने में आई तेजी। महिलाओं को नौकरी देने में TCS अव्वल, 500 मूल्यवान कंपनियों के बोर्ड में 16% डायरेक्टर्स महिलाएं, रिलायंस देश की सबसे मूल्यवान कंपनी। जनवरी 2023 से महंगी हो जाएगी मारुति सुजुकी की कारें, कंपनी अपने सभी कार मॉडल्स की प्राइस बढ़ाने का बना रही है प्लान। में भारत को मिलेगा रिकॉर्ड रेमिटेंस, वर्ल्ड बैंक ने कहा पहली बार किसी देश का रेमिटेंस 100 अरब डॉलर होने की उम्मीद की गई है। IIT स्टूडेंट्स को मिले रिकॉर्ड पैकेज, JNSTREET ने 3 छात्रों को 4-4 करोड़ सैलरी ऑफर की, 25 को 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का पैकेज। महिलाओं को नौकरी देने में TCS अव्वल, लोगों ने FD पर लिया सर्वाधिक 43.4% कर्ज, कोरोना के बाद पर्सनल लोन लेने वालों की संख्या बढ़ी। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 2.9 अरब डॉलर बढ़ा, यूको बैंक FD पर देगा 1.35% तक अधिक ब्याज। गांव से ज्यादा शहरों में नौकरी की किल्लत, रिपोर्ट में दावा, नवंबर में 8% हुई बेरोजगारी दर। रघुराम राजन का बड़ा बयान, बोले कम महंगाई के दौर के लिए तैयार है वैश्विक अर्थव्यवस्था। सात समंदर पार से भारतीयों ने भर दिया भारत का खजाना, साल 2022 को भेजे रिकॉर्ड तोड़ 100 अरब डॉलर। मोहम्मद शमी टीम इंडिया से बाहर, चोट के चलते बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज नहीं खेल सकेंगे, उमरान मलिक को मिली जगह। मेजबानी छिनी तो एशिया कप नहीं खेलेगा पाकिस्तान, PCB चीफ बोले भारत भले ना आए लोकेशन नहीं बदलनी चाहिए।
आईपीएल 2023 ऑक्शन टेबल पर इस बार भी नजर नहीं आएंगे शाहरुख खान, बेटे आर्यन और बेटी सुहाना संभालेंगे नीलामी का जिम्मा। पाकिस्तान के शाहिद महमूद के नाम दर्ज हुआ शर्मनाक रिकॉर्ड, टेस्ट डेब्यू में खर्च के सर्वाधिक रन। फुटबॉल विश्व कप में साउथ कोरिया ने किया बड़ा उलटफेर, पुर्तगाल को 2-1 से हराया। आईपीएल में फुटबॉल की तरह प्लेयर सब्स्टिट्यूशन, 12वां खिलाड़ी उतार सकेगी टीमें, 14वें ओवर तक बदलाव की इजाजत। कैमरून से हारकर भी ब्राजील नॉकआउट में पहुंचा, फीफा वर्ल्ड कप आखिरी लीग मैच में कैमरून ने ब्राजील को 1-0 से हराया। जर्मनी बेल्जियम वर्ल्ड कप से बाहर, अर्जेंटीना पुर्तगाल ने किया क्वालिफाई। एक्स्ट्रा टाइम में गोल पर नॉकआउट में पहुंचा साउथ कोरिया, पुर्तगाल को रोमांचक मुकाबले में हराया ही चैन ने दागा डिसाइडर। जीत कर भी टूर्नामेंट से बाहर हुआ उरुग्वे, खाना को हराया पुर्तगाल, साउथ कोरिया क्वालिफाई। अल्लू अर्जुन के साथ काम करना चाहते हैं रोहित शेट्टी, टॉम क्रूज को रिप्लेस करने वाले बीम पर कार्तिक का जवाब। जिम के बाहर स्पॉट हुई जानवी कपूर, गीले बाल, कान में झुमके, ग्रीन सलवार सूट में दिखी बेहद खूबसूरत। सर्कस के ट्रेलर लॉन्च में पहुंचे सितारे, रणवीर सिंह ने पूरी टीम के साथ मचाया धमाल, रेड साड़ी में बेहद खूबसूरत दिखी जैकलीन। आयुष्मान खुराना के सामने रोहित शहनाज गिल, कहा लोगों को लगता है कि मैं सिंपैथी के लिए ये सब करती हूँ। सऊदी अरब में राज और सिमरन ने लूठी महफिल, काजोल शाहरुख ने डीडीएलजे के रोमांटिक सीन को रिक्रिएट किया। सुष्मिता सेन के भाई राजीव ने पति पर लगाए आरोप, कहा हम अलग हो गए हैं, व्यूज के लिए जियाना को बखूबी से यूज किया गया है। फोटो शूट के दौरान सेट पर मस्ती करती दिखी अनन्या पांडे, ग्लैमरस लुक में आई नजर, फैंस को पसंद आया ये चुलबुला अंदाज। सामने झुक गया पुष्पा, अल्लू अर्जुन ने घुटनों के बल बैठ खिंचाई फोटो, रूस में कर रहे फिल्म का जबरदस्त प्रमोशन। नवाबी स्वैग क्लासी अंदाज में दिखे सैफ, करीना, विक्की कौशल, उर्वशी रौतेला के अलावा मुंबई एयरपोर्ट पे स्पॉट हुए स्लिप्स। मिशन इम्पॉसिबल जैसी फिल्में करना चाहते हैं शाहरुख खान, का अगले 10 साल तक सिर्फ एक्शन फिल्में ही करूंगा। शतक में बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देख रहे प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम।